नमस्ते सभी को। इस वीडियो में मैं आपसे एक टॉपिक पे के बारे में बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है खुशी, यानी कि हैप्पीनेस। हम देखते हैं कि हम हमेशा हैप्पी होने के लिए काम करते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं। तो ये सारी जो फीलिंग्स है उसके पीछे की जो थियोरी है उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ और बाकी कुछ रिलेटेड चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। तो हम सब खुशी के पीछे है, सब चाहते हैं कि खुश रहे। पर ऐसा कभी कभी होता है, जिनके पास बहुत पैसे है, समझो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पैसे है और सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ है, सक्सेस है, अच्छा करियर है, अच्छी फैमिली है, पर ऐसे लोग हमने देखे हैं वो तब भी बोलते हैं कि मैं खुश नहीं। तो खुशी किसके ऊपर निर्भर होती है, किस चीज़ को करने से खुशी मिलती है या फिर खुशी टिकी रहती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम इन जनरल सबको लगता है कि पैसे कमा ले, इतना कमा ले, उतना कमा ले, घर बना ले, गाड़ी ले ले तो खुशी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें, एक आइडिया रहती है लोगों के मन में कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए खुशी के लिए, जो कि बिल्कुल सही है। पर एक हेडोनिक ट्रेडमिल थियोरी करके एक थियोरी आई थी बीच में, जिसके बारे में हम देखेंगे। उसके नाम में ही हम पता लगा सकते हैं कि वो थियोरी किस चीज़ के बारे में है। हेडोनिक ट्रेडमिल थियोरी, यानी कि हेडोनिक मतलब प्लेजर, यानी कि अच्छी भावनाएं जो मन में आती है उसे हम प्लेजर बोलते हैं। ट्रेडमिल यानी कि सबको पता है जो मशीन रहती है, हम चलते हैं उसके ऊपर एक्सरसाइज के वक्त, और थियोरी। तो हेडोनिक ट्रेडमिल थियोरी यानी कि सब लोग जो अच्छी फीलिंग जो आती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, उसके पीछे भाग रहे हैं। पर इस थियोरी में बोला गया है कि हर एक व्यक्ति की जो एक हैप्पीनेस की लेवल होती है, रेंज होता है, सुख महसूस करने का, दुख महसूस करने का एक रेंज होता है, उसके अंदर ही सब कुछ होता रहता है पूरी लाइफ के अंदर उस व्यक्ति के साथ। यानी कि कोई कितनी भी खुशी का अवसर हो तो भी एक लेवल के आगे खुशी नहीं महसूस होती, और कितना भी दुख का अवसर हो, कोई भी इतनी बुरी चीज़ हो जाए उसके ज़िंदगी में, तो थोड़े टाइम के लिए तो ऑफकोर्स दुख होता है, बुरा लगता है, पर वो एक कुछ दिनों के बाद वापस वो रेंज में आ जाता है। तो ये जो रेंज है हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। कोई लोग हम देखते हैं कि बहुत खुश रहते हैं, हमेशा बहुत खुश रहते हैं, तो हम जो लोग खुश नहीं रह पाते वो हमेशा सोचते हैं कि ये खुश कैसे रह पाते हैं, ये क्या करते हैं जिससे वो इतने खुश नज़र आते हैं, इतने खुश दिल रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं हमेशा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आप हर एक की एक रेंज होती है जिसके अंदर वो ऑपरेट करते हैं पूरी लाइफ के अंदर। वो रेंज ज़्यादातर बदलती नहीं है। आपको कितना भी बड़ा अवसर आया, शादी हो रही है, बच्चा हो रहा है, ये जो बहुत आनंद के मौके होते हैं उसके अंदर भी एक किसी किसी को बहुत खुशी होती है जिनकी रेंज ऊपर के रेंज में है, और किन किन लोगों को कुछ महसूस ही नहीं होता। तो ये जवाब हो सकता है, बहुत लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि मुझे खुशी क्यों नहीं महसूस होती है, या फिर लोग जैसा एंजॉय करते हैं मुझे, मैं एंजॉय क्यों नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ। तो इसका ये जवाब हो सकता है कि आपका रेंज में भी थोड़ा अलग है, थोड़ा कम लेवल का रेंज है, तो उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं, उसमें आप रह सकते हैं। इस थियोरी से हम ये सीख सकते हैं, अगर कोई पैसे के पीछे है कि मैं बहुत कमाऊंगा फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा, तो ऐसा होगा नहीं। आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे, समझो आज 50,000 कमा रहे हैं, तो अगर आप 2-3 लाख कमाने लग गए तो कुछ दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा, पर वो फिर से आपके लिए वो नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, आपकी जो खुशी है फिर से आपके रेंज में आ जाएगी। ये हर एक चीज़ के बारे में हो सकता है। कोई भी आपने कोई नई गाड़ी ली या नए बड़े घर में शिफ्ट हो गए, तो कुछ दिन के लिए आपको एक्साइटमेंट ज़रूर महसूस होगा, अच्छा लगेगा, बहुत अलग महसूस होगा, बट कुछ दिन में आप उस चीज़ से, मतलब वो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल बन जाएंगी पहले की तरह, और आप उस चीज़ से कुछ बड़ा पाने की इच्छा रखने लग जाएंगे, और आपको लगेगा कि ये आगे की चीज़ मुझे मिल गई तो फिर मैं फिर से खुश हो जाऊँगा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो आपकी खुशी नहीं बढ़ा पाएगी एक लेवल के बाहर। तो ये आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। दूसरी जो थियोरी है वो है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, यानी कि हमारी जो अपेक्षाएं होती है और जो वस्तु स्थिति है उसके ऊपर हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, हैप्पीनेस लेवल डिपेंड करता है। अगर कोई एक रूम किचन में रह रहा है तो उसे अगर कोई 2 या 3 रूम का फ्लैट दे दे, उसे बहुत अच्छा लगेगा।
पर यही चीज जो 5 रूम के घर में रह रहा है वो खुश नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें रह रहा है और वो सोच रहा है कि मेरा एक पेंट हाउस हो, मेरा एक बीच साइड बंगलो हो। तो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का जो टग ऑफ वॉर होता है कि जहाँ पे भी आप रियलिटी के अगेंस्ट आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो आपकी अगर बड़ी है तो आप खुशी महसूस करेंगे वो चीज़ें पाने के बाद में। तो ये एक थियोरी होती है खुशी की, हैप्पीनेस की। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसी ये थियोरी है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, पैसों से परमानेंट खुशी नहीं मिल सकती, ऐसा अगर ये थियोरी बोलती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो एक चीज़ हम जो कर सकते हैं कि आप पैसे तो कमाने ही हैं, पैसे ऑब्वियसली पैसे कमाने से ही आपका पूरा लाइफ चलेगा, तो पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, पर आप एक सेट कर सकते हैं कि आप काम क्यों कर रहे हैं और आपको पैसे क्यों कमाने हैं। यानी कि आपको एक एग्जैक्टली आपको महसूस होगा कि मैंने पैसे कमाए हैं तो मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ, एक ट्रिप करना चाहता हूँ या फिर ये चीज़ मैं ख़रीदना चाहता हूँ, इसके लिए मैं पैसे कमा रहा हूँ। और वो चीज़ आप करिए, आप अगर उस चीज़ के लिए आपने काम किया है तो वो आप फ़ोन ख़रीद लीजिए, नया फ़ोन जो आया है वो ख़रीद लीजिए। वो चीज़ें जो है आप ख़रीदेंगे तो आपके काम करने का और पैसे कमाने का कोई मतलब बनता है। नहीं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप कमाएंगे तो वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आगे 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 बढ़ती रहेगी कि इतना चाहिए उतना चाहिए, पर उस पैसे का आप करेंगे क्या, इसका जवाब आपके पास नहीं होगा। दूसरी जो और जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो है कि आपके अगर हेडोनिक ट्रेडमिल थ्योरी बोलती है कि आपकी जो रेंज है वो फिक्स्ड है, तो आप ऐसे एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको खुशी देते हैं आपके डेली रूटीन में। ऐसा नहीं कि मैं ये पाने के बाद ये शुरू करूँगा, जो भी आपको अभी करना है, जो भी आपको खुशी देता है वो चीज़ें आपने अभी के अभी शुरू करनी है और ज़्यादा मात्रा में करनी है। वो इंक्लूड करिए आपके रूटीन में जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, तो वो आपकी खुशी बढ़ाएंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है हॉबीज़ आपकी जो है वो पहचानिए, और अगर कोई आपकी हॉबी है तो वो चीज़ आपने करनी ही चाहिए। तीसरी जो बात है वो है दूसरों के लिए वक्त निकालिए, आपके जो लव्ड एंड नियर वंस है, नियर एंड डियर वंस है, तो आप उनके लिए वक्त निकालिए, उन इंटरेक्शन से जो आपको खुशी मिलेगी तो उसका आप कंपैरिजन किसी और से नहीं कर सकते। और आखिरी की एक बात है वो है कृतज्ञता की भावना रखना, यानी कि बीइंग ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड रखना कि जो भी आपके पास है उस चीज़ के लिए भगवान को या जिस भी पावर को आप मानते हैं उसको आपने थैंक यू बोलना है। और एक हर रोज़ का एक आप एक रूटीन बना सकते हैं कि आप थैंक यू बोल रहे हैं, जो भी आपके पास है, लोग हैं आपके आसपास, चीज़ें हैं, पैसा है, उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं जिस चीज़ को भी आप मानते हैं उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए। तो ये आप करेंगे तो आपकी जो हैप्पीनेस की जो लेवल है हमेशा मेंटेन रहेगी और आप एक स्टेबल लाइफ जी पाएंगे। तो हमारा ये वीडियोस डालने के एक ही इंटेंशन है कि लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले, पीस मिले। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।